कर्नाटक में सीएम पद को लेकर हलचल तेज। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में से किसी एक के नाम पर लगेगी मुहर। कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने कहा, सभी विधायकों से ली गई है राय, दिल्ली जाकर कांग्रेस अध्यक्ष को पेश करेंगे रिपोर्ट। आज दोपहर सिद्धारमैया आ रहे हैं दिल्ली। डीके शिवकुमार ने लिया दिल्ली न आने का फैसला, कहा जनता ने गिफ्ट दे दिया और क्या चाहिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मोदी शाह पर जबरदस्त कटाक्ष, लिखा कर्नाटक में नहीं चला नकली हिंदुत्व, ऑपरेशन लोटस को जनता ने कुचला। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का बड़ा बयान, कहा कर्नाटक विधानसभा चुनाव ने देश को संदेश दिया, दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकता है ये मॉडल। एमसीडी में बीजेपी को बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए पार्षद पवन सहरावत ने बदला मन, दोबारा आम आदमी पार्टी का दामन थामा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में बीजेपी चलाएगी विशेष जनसंपर्क अभियान, जनता को मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ के बारे में बताने के लिए बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा कार्यक्रम। द केरल स्टोरी पर बैन के खिलाफ आज होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल तमिलनाडु से मांगा था जवाब। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत, पुलिस ने किया 2 को गिरफ्तार। जेल में अकेलापन महसूस कर रहे हैं सत्येंद्र जैन, 2-3 कैदियों को साथ रखने के लिए लिखी चिट्ठी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की इतिहास को जानने की अपील, कहा हल्दी घाटी हो या गलवान घाटी, भारत कभी नहीं झुका। गूगल के नए सर्च इंजन एआई के आने से कंपनी के को फाउंडर्स को हुआ जबरदस्त मुनाफा, संपत्ति में $18 अरब से ज्यादा की आमदनी बढ़ी। द कपिल शर्मा शो में सुधा मूर्ति ने सुनाया किस्सा, बताया ₹10,000 से शुरू हुई थी इंफोसिस कंपनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ₹35,000 करोड़ के अनक्लेम्ड डिपॉजिट को निपटाने के निर्देश पर आरबीआई का 100 डेज 100 पे अभियान। भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर विस्की पर अटकी बात, विस्की की मैच्योरिटी एज को लेकर दोनों देशों की कंपनियों के बीच मतभेद। गो फर्स्ट के बाद संकट में अलायंस एयर, 300 करोड़ देकर सरकार करवाएगी सेफ लैंडिंग। इमरान खान का पाक की सेना पर नया आरोप, कहा मुझे 10 साल जेल में रखने की योजना बना रही है पाकिस्तान सेना। ईरान को 50 साल बाद मिलने जा रहा है रूस का फाइटर प्लेन Sukhoi-35, इसराइल की बढ़ेगी मुश्किल। तुर्की में किसी को नहीं मिले 50% से ज्यादा वोट, अब 28 मई को होगा राष्ट्रपति पद के लिए आखिरी मुकाबला। थाईलैंड में वोटिंग पूरी, मतगणना जारी, इस बार बदलाव की उम्मीद, विपक्षी दल जीतेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने पुतिन की सेना पर बरपाया कहर, युद्ध खत्म होने के आसार।